मुजफ्फरपुर और छपरा के जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास पर निगरानी की रेड चल रही है। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छपरा DTO रजनीश लाल के पटना आवास और मुजफ्फरपुर आवास पर छापेमारी कर रही है। विजिलेंस का यह रेड आज सुबह से जारी है। अब तक की छापेमारी में निगरानी विभाग ने तकरीबन 48 लाख रुपये कैश सहित बड़ी मात्रा में सोने चांदी के बिस्किट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग की कार्रवाई अभी भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार रजनीश लाल मुजफ्फरपुर के साथ साथ छपरा DTO के भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। निगरानी सूत्रों ने बताया कि स्टेट बैंक से पैसे गिनने वाली मशीन को मंगाया गया है, वहीं DTO के आवास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है, जिससे लाइसेंस की जानकारी मांगी जा रही है। बता दें कि परिवहन विभाग ने 9 मार्च 2021 को मुजफ्फरपुर के DTO रजनीश लाल को छपरा DTO का चार्ज दिया था। तब से वे छपरा जिले का भी काम देख रहे हैं। बताया जाता है कि परिवहन विभाग ने छपरा के आसपास के जिलों को छोड़कर मुजफ्फरपुर के DTO को चार्ज देने पर तरह तरह की चर्चा भी शुरू हुई थी। परिवहन विभाग ने 9 मार्च 2021 को अधिसूचना में बताया गया है कि सिवान के जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह, जो सारण के अतिरिक्त प्रभार में थे, उनका ट्रांसफर अपर समाहर्ता बांका के पद पर हो गया है। इस वजह से सारण जिला परिवहन पदाधिकारी का पद रिक्त हो गया है। इस आलोक में रजनीश लाल जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी सारण के कार्यों का निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आपको बता दें कि अभी भी छापेमारी चल रही है और जो निगरानी के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक उनके आवास से 48 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ एक पिस्टल भी मिला है, जिसका लाइसेंस की जांच की जा रही है।